हेलो डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिनों के बाद ही ईद है, तो मैंने सोचा आपके साथ एक प्यारा सा ईद मेकअप शेयर करूं। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करूं। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्ट में ये लुक क्रिएट किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक आईब्रो ब्रश लिया है। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज को लिफ्ट करने के लिए। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एडीएस का जेल आईलाइनर। सारे प्रोडक्ट के लिस्ट और उसके परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जहाँ पर भी आपका आईब्रोज थिन है आपको वहीं पे छोटा छोटा सा स्ट्रोक देकर उसको फिल करना है। मेकअप करने के 10 मिनट पहले मैंने अपने स्किन को स्क्रबिंग किया था और उसके बाद मैंने एक लाइट मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर यूज़ किया है ताकि मेरा फेस मॉइस्चराइज्ड रहे और जो फाउंडेशन है वो मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से बैठ जाए। ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रोक आपको इनर कॉर्नर पे डालना है ताकि आपका आईब्रोज नेचुरल लगे। आई बेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। ये कंसीलर आई बेस के लिए बहुत अच्छा है, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है और कवरेज तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा है। मैंने जो शेड लिया है ये है लाइट टू मीडियम बेज। अगर आपको वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर का रिव्यू देखना है और उसके जो सारे 14 शेड है उसके बारे में जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसके बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है वो मिल जाएगा। इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो आप अपने लिए शेड खुद ढूंढ सकती हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं इस कंसीलर को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसको सेट कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर से। यहाँ पे मैंने एले गर्ल प्रो का HD प्रेस पाउडर लिया है। अभी वही कंसीलर मैं अपने अंडर आईज पे यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को हेवी मेकअप पसंद है, बट मैं जब कोई भी ओकेशन में जाती हूँ तो ऐसे ही लाइट मेकअप करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि फाउंडेशन और कंसीलर में कोई एक ही यूज़ करूँ। तो आपको ऐसे ही ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जहाँ पर भी आपको कम लगे आप वहाँ पे एक्स्ट्रा कंसीलर यूज़ करें और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाएँ। अगर आप चाहें तो पहले फाउंडेशन को यूज़ करके उसके बाद कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके स्किन पर कोई भी पिगमेंटेशन है तो आप वहाँ पे पहले ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर ले, उसके बाद अपने कंसीलर या फिर फाउंडेशन कोई भी आपकी मर्ज़ी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं पूरे फेस को एले गर्ल प्रो HD प्रेस्ड पाउडर से सेट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक फ्लफ़ी पाउडर ब्रश लिया है। अगर आपको यहाँ पे लूज पाउडर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो अभी है आई मेकअप की बारी। आई मेकअप की शुरुआत में ही मैंने एक प्रिटी पिंक कलर लिया है और उसको मैं अच्छे से क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। ये शेड मैंने निका के 23 मैट कलर पैलेट से लिया है। आप चाहे तो आपका कोई भी फेवरेट पैलेट यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना होगा क्योंकि आई शेडो जितना ब्लेंडेड दिखता है उतना ही अच्छा दिखता है। अब आपको यही शेड कॉर्नर पे एक्सटेंड करना है। अभी मैं वही सेम पैलेट से इन दोनों कलर को मिक्स करके अपने आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ। अभी वही आई शेडोज मैं मेरे दूसरे आईलिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आँखों की आउटर कॉर्नर पे मैं ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ और इसको अच्छे से दूसरे कलर्स के साथ ब्लेंड कर रही हूँ।
अभी मैं वही पैलेट से इन दोनों कलर को मिक्स करके मेरे हाथों की मदद से आईलिड के मिडिल पोर्शन में अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड भी करूँगी। छोटा सा ब्रश लेके, छोटा सा जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसको मैं यहाँ पे इसको हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी ताकि ये ज़्यादा ब्लेंड ना हो। अभी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे इनग्लॉट का हाईलाइटर लिया है। अभी एक लिक्विड आईलाइनर की मदद से मैं एक थिन सा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आज मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं करूँगी। अगर आपको फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे थिक आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी लोअर आईलिड पे मैं सिर्फ ये ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पेंसिल ब्रश यूज़ किया है। अभी मैं एक ब्लैक काजल को लेके उस ब्लू आईशेडो के साथ अच्छे से स्मज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश लिया है ताकि मैं काजल और आईशेडो को अच्छे से ब्लेंड कर सकूं। आईलैशेस को वॉल्यूम देने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रिमेल स्कैंडलाइज रीलोडेड मस्कारा। फेस कंटूरिंग के लिए मैंने वही निका के 23 कलर पैलेट में से एक ब्राउन शेड लिया है। ब्लश के लिए मैं वही पिंक कलर यूज कर रही हूँ जो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे इन कलर का बेक्ड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। अपर लिप्स को थिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे L.A Girl प्रो HD कंसीलर का कूल टैन शेड लिया है। ये स्टेप फुल्ली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं दो शेड्स यूज करूंगी। पहला वाला जो है ये है लॉरियल पेरिस रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक, इसका शेड नंबर है 121। ये लिपस्टिक मैट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नायका मैट मिनी लिक्विड लिपस्टिक, इसका शेड नेम है मिष्टी। मैं बहुत ही कम यूज करूँगी इसको और हाथों से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ये है मेरे कुछ फोटोज जो मैंने मेकअप सेट होने के बाद क्लिक किया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को एडवांस ईद मुबारक। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।